हेलो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं मनोशाइट टूलबैग। ठीक है, लाइक गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने मॉडल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, लाइक एक सिंपल सा एक प्लेन है, उस प्लेन में लाइक दो ट्रायंगल है, उसके अंदर मैंने कुछ मैप को यूज़ किया हुआ है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ मनोशाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे मॉडल को कैसे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, मैप्स अलग अलग मैप्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, क्लॉस, एल्विडो, स्पैकुलर। तो इन मैप का मैं एक एक करके यूज़ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं लाइक न्यू सीन। हम लोग आते हैं लाइक इंपोर्ट मॉडल, इंपोर्ट में चलते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, एंड देन एक सिंपल सा प्लेन आप एक्सपोर्ट कर लो। लाइक जैसे मेरे पास मैक्स के अंदर है, मैक्स में प्लेन है, इस प्लेन को एक्सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे। एक्सपोर्ट लाइक FBX, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, देन FBX में लाइक प्लेन करके आप सर्च कर दें, यहाँ प्लेन करके आप सेव कर दो डेस्कटॉप में। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लाइक चलते हैं हम लोग मनोशाइट में, इंपोर्ट किया मैंने प्लेन, प्लेन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप न्यू मटेरियल ले सकते हो, लाइक डुप्लीकेट कर लो, न्यू कर लो या डुप्लीकेट कर लो एज यू विश। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। मेरे पास कुछ मैप्स है, मैंने अभी डिस्प्लेसन मैप के लिए मैंने हाइट मैप नहीं बनाया। लाइक हाइट मैप के बारे में मैंने कुछ इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने कुछ अपडेट किया हुआ है। लाइक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे हाइट मैप आपको यहाँ पे दिखेगा, हाइट मैप का यूज़ क्या है। ठीक है, लाइक हाइट मैप यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई करने के बाद लाइक ये पूरा आपको हाइट दिखेगा यहाँ पे, हाइट मैप का यूज़ है। किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, हाइट को किस टाइप से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे मैंने हाइट मैप नहीं लिया। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं लाइक एक हाइट मैप, डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करना है यहाँ पे। सबसे पहले सब डिविजन पर क्लिक करो यहाँ पे, PN ट्राइंगल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे हाइट मैप। मैं जस्ट AU मैप एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कि किस टाइप से इम्पैक्ट आता है, जस्ट बेसिक पार्ट। ठीक है, एम्बेड इंक्लूजन देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ डेप्थ दिखेगा यहाँ पे। मेनली क्या कि एक हाइट को मैनेज कर देता है आपके यहाँ पे, आपको नीड है तो आप इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, लाइक चलते हैं नॉर्मल मैप पे। क्लिक किया मैंने नॉर्मल मैप, नॉर्मल मैप का डेप्थ आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्काई पे देखोगे, स्काई पे क्लिक करो, रिसर्च। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे विजुअल होगा किस टाइप का आप इन्वायरमेंट लेना चाहते हो, डन कर दो आप यहाँ पे। हाइट का यूज़ देखो यहाँ पे, अगर हाइट का आपको यूज़ दिखाना है तो आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। जो PN ट्रायंगल हमने यूज़ किए, सेगमेंट्स ज़्यादा दिखाता है यहाँ पे, लाइक इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, लेकिन इसमें सेगमेंट ज़्यादा नहीं है। ओके, लाइक कुछ मैप्स है, उस मैप के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। लाइक सिंपल ग्लॉस मैप, ग्लॉस मैप किस टाइप से काम करते हैं यहाँ पे, मैप में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ग्लॉस देखो, ग्लॉस के अंदर देखना है यहाँ पे, ग्लॉसी मैप के अंदर आपको जो माइक्रो डिटेल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, कहाँ कहाँ पे स्केचेज है, किस टाइप से काम है। ठीक है, ग्लॉस और स्पैकुलर का बहुत मेजर रोल है, आप कहाँ पे शाइनिंग दिखाना चाहते हो, कहाँ पे शाइनिंग नहीं दिखाना चाहते, ये एक इम्पैक्ट आप अगर अपने मॉडल में दिखा दो, मेटलिक आपका मॉडल बहुत अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, इसी में लाइक मैं एक स्पैकुलर भी कॉल करता हूँ, स्पैकुलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। देखो स्पैकुलर भी आपके सामने दिखे यहाँ पे, स्पैकुलर क्या काम करता है, स्पैकुलर एंड ग्लॉस। देखो स्पैकुलर भी ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, स्पैकुलर को कंट्रोल किसने किया, ग्लॉस मैप ने। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए कि ग्लॉस मैप का यूज़ क्या है, किस टाइप से स्पैकुलर को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे। इवन मैं आपको फोटो में थोड़ा सा आपको चेंजेस करके भी दिखाऊंगा। लाइक सपोज यहाँ पे मेरे पास मैप है, मैंने मैप में कुछ चेंजेस कर रखा है यहाँ पे, ये मैप था, मैंने लेवल बढ़ाया यहाँ पे, लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना पे। ठीक है, स्पैकुलर में लाइक मैंने अलग जो मैंने डिफ्यूज मैप बना रखा था, इसमें से मैं कुछ मैप लेके इधर ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, जो भी डिटेलिंग वाले पार्ट हैं। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ इस टाइप की डिटेलिंग्स। ठीक है, ऐसा भी कुछ, देन बाद में ही लेवल। मैं थोड़ा सा पेंट भी कर सकता हूँ, लाइक सिंपल मैंने ब्रश लिया यहाँ पे। ठीक है, ब्रश के थ्रू मैं यहाँ पे हल्का सा पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, कहाँ का मुझे पेंट करना है यहाँ पे नॉर्मली। जैसे जैसे मैं पेंट करूँगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ आपको सामने दिखेगा यहाँ पे। जैसा आप पेंट करने वाले वैसे आपका इम्पैक्ट दिखने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी, यहाँ पे रेंडमली आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। मैनुअली हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कहीं के भी साइनिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा वाइट
कि तभी पेंट कर सकते हैं आप, तो ऐसे भी आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे जस्ट बेसिक, ठीक है, फाइल सेव है, ठीक है, और टैब एंड जेपैक सिंपल सा स्पैकुलर मैप। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा यहाँ पे, आपको रूल दिख जाएगा यहाँ पे, तो कोई अपडेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो किस तरह से आपके पास चीज़ें यहाँ पे, तो आप स्पैकुलर मैप को भी पेंट करके बहुत बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। जहाँ पे आपकी साइनिंग यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ आपकी साइनिंग दिखना स्टार्ट होगी, लाइक ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैप निकल के आ जाएगा यहाँ पे, मेटल का लुक एंड फील आपका बिना डिफ्यूज का आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एलविडो में हम लोग मैप कॉल करते हैं यहाँ पे, लाइक डिफ्यूज टेक्सचर, देन आप देख पाओगे यहाँ पे सिंपल आपका मैप किस टाइप से, मॉडल का इम्पैक्ट, ठीक है, ये आपका एक मेटल का इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। इस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो देन आपका काम बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो गाइस ये एक पार्ट है, लाइक हम लोग चलते हैं स्काई पे, स्काई में बस यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो भी प्रीसेट्स आपको चेंज करना है यू कैन चेंज, ठीक है, जो भी आपको कलर देना है कलर वाइज आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि किस टाइप से आपके पास चीज़ें हैं। ओके, ग्लॉस को आप परचेज करना है, परचेज कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखें ग्लॉस वाइज लाइक आपका अमाउंट जो कम करना है मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे। स्पैकुलर भी है, स्पैकुलर में आप चीज़ों को देखो कितना एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगे लाइक लाइट के अकॉर्डिंग आपके आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो आप यहाँ पे, ग्लॉस का लाइक कितना ग्लॉस पे आपको काम करना है यहाँ पे, तो एक प्रॉपर चीज़ को आप दिखा सकते हो कि किस तरह से आपका मॉडल है, ओके सर, सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। स्पैकुलर लाइक स्पैकुलर पर्सनल, ठीक है, देन आपके साथ में ब्लर बैकग्राउंड भी है, आप बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, बैकग्राउंड से आप ब्राइटनेस के साथ आप प्ले करना चाहो ब्राइटनेस भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, अच्छी को एक अच्छे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक और पार्ट है लाइक मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है, स्पैकुलर इंटेंसिटी कितनी चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, और ग्लॉस ठीक है। देखो डिफ्यूज में ये ऐड ऑन करके दिखाया हुआ है यहाँ पे किस टाइप सब चीज़ों को प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, और देन आपको रेंडर निकालना, आप रेंडर भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, रेंडर के लिए भी आपके पास कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, लाइक कैप्चर में चलोगे यहाँ पे, यहाँ पे है आपका F9, ठीक है, F10 आपका इमेज एंड ओपन, लाइक जो आपका रेंडर निकला है वो आपको ओपन कर देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू कैन सेव लाइक सेव हो चुका है आपका यहाँ पे, अब इमेज को आप अलग से देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। F11 लाइक इमेज पाथ दिखा देगा आपको यहाँ पे, इमेज का पाथ कहाँ पे या इमेज कहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करो आप यहाँ पे, ध्यान रखना स्पैकुलर ग्लॉस के अमाउंट से थोड़ा सा प्ले करना, लाइक ये देखो ये एक अच्छा इम्पैक्ट दिखे यहाँ पे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। F9 और F10, ठीक है, तो ऐसे आपका इमेज आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो मोनोमेट एक बेसिक आउटपुट के लिए, ठीक है। थैंक यू।